प्रदेश सरकार कितने भी जन सुनवाई पोर्टल बना ले अथवा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शिकायत केंद्र बनवा ले, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला बिजनौर जिले का है, जहां सदर तहसील का एक लेखपाल पवन कुमार खेती की करीब 150 गज जमीन का दाखिल खारिज कराने के एवज में किसान से 2,300 रुपए की मांग कर रहा है। खुलेआम 1,500 रुपए ले रहा है, साथ ही तहसील में कौन रिश्वत ले रहा है उसका भी उल्लेख कर रहा है। दरअसल सदर तहसील क्षेत्र के गांव दल्लू धनौरा गांव निवासी नीटू ने नागलजट गांव में 150 गज खेती की जमीन खरीदी थी, जिसका दाखिल खारिज होना था। क्षेत्र का लेखपाल पवन कुमार सरकारी अभिलेख में नाम दर्ज कराने के एवज में रिश्वत लेने नीटू के पास ही जा पहुंचा। ऐसे में रिश्वत देने वाले ने भी उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे मामले की शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई के बजाय लीपापोती में लग गए हैं। फिटिंग करानी तो उतने पैसे नहीं, और जो है मालकान में दर्ज कराने के उतने पैसे लें, बैनामा वापसी के उतने पैसे लें, रही तुम्हारी उसकी जो पेश काले परसेंटेज 1,000 से कम की छोटी फाइल तो 1,500-1,600 रुपये तो वैसे बैठ जाए। और जो तुमने परसों ये गलती करी, मैं टेलीफोन पर टेलीफोन करूँगा, इन्होंने जो तारीख पड़ी है परसों, अब जो है 2,250 रुपये आने के लखनऊ में लगेंगे, और जो है 2,500 रुपये देने। अरे और जैसे बात मतलब मुझे ये तो बताओ कि जो जब इसमें छोटा मुझे कुछ मिलना है, मैं क्यों कोई लेकर लाली में हाथ का लेकर, मुझे तो चाहे तुम जो 500 रुपए दे दो, मेरे हिसाब के मैं तो रिपोर्ट लगा कर जमा कर दूंगा, और क्या मेरा काम सही है केवल ना। अब जब तुम इससे जो सारा काम करोगे, मेरा पैन नंबर जो वापस ले लियो जी, अमल दरामद भी चढ़वाइयो, फरत भी दियो, तो तुम यही दे। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए बिजनौर से सलीम अहमद की रिपोर्ट।